प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे एक्सरसाइज 3.3 से लास्ट के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे, आज हम वो करने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और हम अपना एक्सरसाइज से उठा लेते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि अपने पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है बच्चों 2, 3, 1, 2। देखो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है, क्या लिखा हुआ है 2, 3, 1, आगे इन्होंने अपना बोल दिया 2। और एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी भी गिवन 1, 0, 0, 1, इस बात के बारे में हमें पता है। अब आगे ये इन्होंने लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें यहाँ पे हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? इफ कंडीशन इन्होंने ये बोल दी अपनी ए स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे यहाँ पे क्या गिवन बच्चों आइडेंटिटी। देखो नहीं सॉरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या गिवन है, एक्स ए प्लस वाई इंटू में आइडेंटिटी, ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें अपने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आइडेंटिटी के बारे में हमें पता है ही, आइडेंटिटी इज इक्वल टू में वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या होगी यहाँ पे 1, 0, 0, 1। तो एक काम करो, हर जगह बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कराओ तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो हमें वैल्यूज यहाँ पे किस किस की चाहिए बच्चों, ए स्क्वेयर की, जो हमारे पास है नहीं बट हम इजिली निकाल सकते हैं। ए स्क्वेयर अपना क्या होगा, ए इंटू ए होगा, एक ए की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और एक हमें अपनी वैल्यू आइडेंटिटी की भी निकालनी पड़ेगी। आइडेंटिटी की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब वैल्यू हमारे पास नहीं है बच्चों ए स्क्वेयर की, तो सबसे पहले काम करो कंसीडर, अलग से अपने यहाँ पे ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ए स्क्वेयर अपना क्या होता है बच्चों, ए इंटू ए। एक काम करो, ए की दो बारी मल्टीप्लाई करवा दो तो वैल्यू हमारे पास अपनी क्या मिलेगी 2, 3, 1, 2 इंटू में अगेन 2, 3, 1, 2। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो बच्चों एक बार, सबसे पहला काम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले की पहले से सेकंड की सेकंड से वैल्यू बताओ क्या मिलेगी हमें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करवाओ 4 + 3, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 + 6, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 4। और सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 + 4, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 7। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो बच्चों, इन्होंने ये बोला है ए स्क्वायर अपना किसके बराबर है, एक्स इंटू में ए प्लस वाई इंटू में आइडेंटिटी के। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करवा दो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करवाओ कितना आएगा 7, 12, 4, 7 इज इक्वल टू में एक्स इंटू में ए। ए की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 2, 3, 1, 2 प्लस वाई इंटू में आइडेंटिटी, वैल्यू पुट करवा दो 1, 0, 0, 1, सिंप्लीफाई करवाओ और यहाँ से अपनी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या लिखेंगे बच्चों 7, 12, 4, 7 इज इक्वल टू में, एक काम करो एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 2x, 3x, 1x, अगेन 2x प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों y, 0, 0, y। अब देखो बच्चों, इन्होंने ये बोला है ये मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे इन दोनों के सम के बराबर है, तो पहले इन दोनों को ऐड करवा दो। अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 7, 12, 4, 7 इज इक्वल टू, करो बच्चों प्लस, पहले में पहला कितना आ गया 2x + y, सेकंड में सेकंड 3x + 0, थर्ड में थर्ड x + 0 एंड फोर्थ में फोर्थ 2x + y, ये बनेगा। अब देखो बच्चों वही बात, दोनों मैट्रिसेस हमारे पास क्या इक्वल, 3.1 से ये काम हम करते आए हैं। सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर कभी भी इक्वल आ जाए देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हमारा क्या होता है बच्चों, देखो पहला एलिमेंट हमारे यहाँ पे किसके इक्वल होगा, पहले के। तो देखो बच्चों पहला पहले के इक्वल पुट करना, तो देयर फोर यहाँ से हमारी जो वैल्यू बननी है 2x + y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 7। इसको हम मान लेते अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड अपना सेकेंड के इक्वल होगा, देखो बच्चों एक बार 12 इज इक्वल टू में क्या होगा 3x, यानी 3x इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपना 12। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड मान ले बच्चों, देखो बच्चों x की वैल्यू तो अपनी यहां से आ जाएगी, x इज इक्वल टू में कितना बनेगा 4। अब y की वैल्यू और हमें फाइंड आउट करनी है, अगर x की ये वैल्यूज हम यहां पे हमारी पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट करवा दें तो y की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो पुट करवाओ तो देयर फोर y इज इक्वल टू में बताओ बच्चों हमारा कितना बनेगा x की जगह यहां पे 4, 4 * 2 कितना आ गया 8, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया 7। तो y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 7 - 8, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों -1। और यही वैल्यूज हमें यहाँ पे अपनी फाइंड आउट करवानी थी। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 से। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में अपना एक क्वेश्चन और दे रखा है,
वहां पे इन्होंने ये बोल दिया, देखो एक बार, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है वहां पे ये लिखा हो बच्चों, एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। अब देखो बच्चों ये फंक्शन अब की बार हमारे यहाँ पे नंबरों के अंदर नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर आ गया बच्चों, और एफ एक्स इज इक्वल टू में हमारा फंक्शन गिवन है कोस एक्स, आगे आ गया माइनस साइन एक्स जीरो, माइनस साइन एक्स जीरो, आगे बोल दिया अपना साइन एक्स कोस एक्स जीरो, और लास्ट में अपना लिखा हुआ बच्चों 001। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स को इन्होंने अपना किससे लिखवा दिया बच्चों, एफ एक्स से लिखवा दिया। अब आगे ये बात इन्होंने बोली है कि देन प्रूव दैट, हमें अपना प्रूव क्या करना बच्चों, प्रूव दैट में इन्होंने ये बोल दिया कि जो अपना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आनी चाहिए बच्चों, एफ एक्स इंटू में एफ वाई के। देखो जो प्रूव करना वो तो अपना आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें अपने तीन फंक्शनों की जरूरत पड़ेगी। एफ एक्स तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, बट वैल्यू हमारे पास है किसकी नहीं, एक तो एफ वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं बच्चों, और एक हमारे पास यहाँ पे अपनी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो सबसे पहला काम तो अपना यही रहेगा कि जिन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास नहीं है अलग से पहले उनकी वैल्यूज अपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। देखो बच्चों एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सबसे पहला काम कंसिडर जिन फंक्शंस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पुट करने से पहले वहां पे वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी हमें। एफ एक्स तो हमारे पास दे रखा है, सबसे पहला काम एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू में वैल्यू, देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, देखो वही चीज़ है, ये भी हमारा एफ का फंक्शन है, ये भी अपना एफ का फंक्शन है, फंक्शन तो दोनों ही एफ के हैं, बट ये हमारा एक्स के अंदर गिवन हमें चाहिए, किसमें वाई के अंदर चाहिए है। तो एक काम करो बच्चों एक्स की जगह में वहां पे वाई चाहिए है, एक्स की जगह वाई अपना यहाँ पे फंक्शन के अंदर रिप्लेस करवा दो, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, जहां जहां एक्स वहां पे अपना वाई पुट करवा दियो, कोस वाई माइनस साइन वाई, आगे बनेगा जीरो, यहाँ पे आ गया बच्चों साइन वाई कोस वाई, आगे वैल्यू आ गई जीरो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जीरो जीरो, लास्ट में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों वन। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। देखो एफ एक्स हमारे पास आ चुका है, एफ वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब एक फंक्शन हो रहेगा बच्चों, कौन सा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये चीज भी हमें यहाँ पे कितनी निकालनी पड़ेगी, तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो वही चीज, फंक्शन ये भी अपना एफ का है गिवन, जो हमारी चीज यहाँ पे थी वो भी एफ का ही फंक्शन गिवन है, बट वो चीज एक्स में है, हमें चाहिए किस में है, एक्स प्लस वाई में। तो एक काम करो बच्चों गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस करवा देंगे, एक्स प्लस वाई, अगर रिप्लेस करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार यहाँ पे बनेगा अपना कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, आगे आ गया बच्चों जीरो, यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बनेगा अपना कोस ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, आगे लिखेंगे जीरो, और लास्ट रो में हमारा कितना आ जाएगा बच्चों जीरो जीरो वन, वहाँ पे कहीं पे एक्स है ही नहीं, तो कहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने अपनी फाइंड आउट कर ली, अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपना ये लिखा हो बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी तो बताओ बच्चों क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात रहेगी राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, और ये बात हमें प्रूव करना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारी यहाँ पे आपस में क्या होगी बच्चों, इक्वल। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स की हमें मल्टीप्लाई करवानी किसके साथ, एफ वाई के साथ, करवा दो मल्टीप्लाई। देखो बच्चों एक बार एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है क्या गिवन है, कोस एक्स, आगे आ गया माइनस का साइन एक्स, आगे आ गया जीरो, यहाँ पे बोल दिया इन्होंने साइन एक्स कोस एक्स जीरो, लास्ट में लिखा हुआ जीरो जीरो वन, इनटू में एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, कोस ऑफ वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन वाई, आगे आ गया जीरो, यहाँ पे लिखेंगे साइन वाई, यहाँ पे आएगा अपना कोस वाई, आगे जीरो, और लास्ट में जीरो जीरो वन। अब देखो बच्चों वही बात, इस चीज को हम अपना सोल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू बननी है, देखो बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक काम करो मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, एक काम करो बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हम कैसे करवाएंगे, देखो बच्चों एक बार पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ करवा दियो, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू में कोस वाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले के साथ होगी, सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई,
साइन एक्स इंटू में साइन वाई। थर्ड की थर्ड के साथ वहां पे हमारा कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। और जीरो अपने यहाँ पे लिखो या ना लिखो। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने करवा दिया, अब आगे काम करो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही चीज पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ। देखो एक काम करो, कोस एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, साइन वाई के साथ, माइनस में आएगी। साइन एक्स की मल्टीप्लाई सॉरी कोस एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ बच्चों, साइन वाई के साथ। पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ होगी, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ करवा दो। माइनस साइन एक्स इंटू में कोस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू में कोस वाई। अब देखो बच्चों एक बार, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने करवा दिया, क्यों जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास अपने क्या बनेगी, जीरो बनेगी। अब एक काम करो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले की पहले के साथ जीरो आ गया, सेकंड की सेकंड के साथ जीरो आ गया, और थर्ड की थर्ड के साथ ये वैल्यू भी हमारी क्या बनेगी बच्चों, जीरो ही बनेगी। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जीरो। अब एक काम करो, फर्स्ट रो की हमने तीनों कॉलम्स के साथ करवा दी, तो अब सेकंड रो को पकड़ो। सबसे पहला काम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वही चीज पहले की पहले के साथ, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, साइन एक्स इंटू में कोस वाई, साइन एक्स इंटू में कोस वाई। सेकंड की सेकंड के साथ प्लस में बताओ क्या लिखेंगे, कोस एक्स इंटू में साइन वाई, कोस एक्स इंटू में साइन वाई। थर्ड की थर्ड के साथ करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, जीरो। वो लिखो या ना लिखो। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, वही चीज पहले की पहले के साथ, देखो साइन तो माइनस का आएगा अपना यहां पे आगे, तो क्या लिखवाएं, माइनस का साइन एक्स, और इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों, साइन वाई। सेकंड की सेकंड के साथ देखो, सेकंड की सेकंड के साथ तो वैल्यू बताओ हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, प्लस का कोस एक्स, और इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहां पे, कोस ऑफ वाई। और यहां पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जीरो। अब एक काम करो बच्चों, सेकंड रो थर्ड कॉलम, पहले की पहले के साथ जीरो, सेकंड की सेकंड के साथ जीरो, और थर्ड की थर्ड के साथ वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, जीरो। तो यहां पे भी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, जीरो। अब एक काम करो, थर्ड रो के ऊपर आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहले की पहले के साथ जीरो, सेकंड की सेकंड के साथ जीरो, और थर्ड की थर्ड के साथ, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों, जीरो आएगा। अब एक काम करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, पहले की पहले के साथ जीरो आ गया, सेकंड की सेकंड के साथ जीरो बनेगा, और थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ, तो वैल्यू वहां पे भी हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, जीरो आएगा। अब एक काम करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम करवाओ, पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ जीरो आ गया, सेकंड की सेकंड के साथ जीरो बनेगा, और थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां पे अपना बनेगा वन। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एफ एक्स इंटू में एफ वाई, जो हमारे पास यहां पे राइट हैंड साइड थी। देखो इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब देखो बच्चों एक बार, 10 प्लस 1 में चैप्टर नंबर थर्ड यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चैप्टर था, वहां पे हमने अपने कुछ एक फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक तो हमने ये फॉर्मूला वहां पे पढ़ा था, ए बी फॉर्मूलाज, अगर याद है तो। देखो बच्चों वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर ऐसा कभी भी आ जाए साइन ऑफ ए प्लस बी, तो इसका हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद होगा मेरे ख्याल से सभी को, अगर याद नहीं है तो चैप्टर नंबर थर्ड के वहां पे हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, ये सभी फॉर्मूले हमारे बहुत जरूरी बच्चों आगे हर जगह काम आने हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे वो फॉर्मूले सभी के याद होने चाहिए। हाँ प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो बीच में अपना यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा। एक फॉर्मूला हमने कोस ऑफ ए प्लस बी का भी पढ़ा था बच्चों, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू में हमारा क्या होता है, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू में होगा अपना कोस ए कोस बी, प्लस है तो क्या आएगा बच्चों, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए साइन बी। हाँ अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अब देखो यहाँ पे अपना कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, देखो बच्चों एक बार, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी की फॉर्म है या नहीं है, और ये फॉर्म कभी भी आ जाए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होगा बच्चों, कोस ऑफ ए प्लस बी। लिखो तो किसके बराबर होगा, कोस ऑफ ए प्लस बी, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों, वाई। अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस के अंदर है, तो माइनस साइन में बाहर कॉमन ले लेता हूं, अगर मैंने यहां से अपना माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, कोस एक्स इंटू में साइन वाई है, और प्लस यहां पे कितना बनेगा बच्चों, साइन एक्स इंटू में कोस वाई। इसको मैं पहले ले लेता हूं, देखो साइन ए कोस बी
प्लस बनेगा यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन तो हमने बार कॉमन ले लिया, और कोस ए साइन बी, इसका भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बोलो बच्चों किसके बराबर होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर होगा। ए की वैल्यू एक्स और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? वाई। लास्ट में हमारा कितना बनेगा बच्चों? जीरो। अब वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला अपना यहाँ पे भी यूज हो गया। देखो बच्चों एक बार, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो गया। किसके बराबर होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर होगा। यहाँ पे देखो मैं इस प्लस वाले टर्म को आगे लिखवा देता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बोलो बच्चों किसके बराबर होगा? कोस ऑफ ए प्लस बी या माइनस बी? प्लस बी, क्योंकि बीच में माइनस है तो प्लस आएगा। अगर मान लिया प्लस होता तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता बच्चों? माइनस। और लास्ट में अपना यहाँ पे लिखा हुआ जीरो, और आगे बनेगा जीरो जीरो, और लास्ट में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? वन। इसको मान लेते अपना यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो बच्चों चेक करो, वन और टू दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है? अगर दोनों आपस में इक्वल है तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड यानी हमारे पास क्या थी? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोलो बच्चों कितना आ गया? एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। और यही चीज हमें यहाँ पे अपने प्रूव करवानी थी। देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आ गया होगा समझ में। उसके बाद आगे हम बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक बारी अपने बुक से स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अभी बोर्ड पे करवाते तुम्हें। देखो बच्चों 19 क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20th दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन अपने आप ही ट्राई करना है। देखो मैं आपको ये 20th क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने ये बोल दिया कि प्रूव बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इफ, हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है कोस थीटा, 20th वाला देख लो क्या आ गया बच्चों? कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया अपना आयोटा साइन ऑफ थीटा, आगे लिखा हुआ अपना यहाँ पे आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा, आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? कोस ऑफ थीटा आ गया। देखो आगे इन्होंने बोल दिया, देन प्रूव बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए पावर एन, हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन बच्चों, गिवन स्टेटमेंट इज एक स्टेटमेंट हमारी यहां पे दे रखी है, स्टेटमेंट होती है हमारी एन वाली। हमने क्लास 10+1 में पढ़ा था, एक चैप्टर आया था हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वहां पे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। यहां तो काम अपना बड़ा आसान है। देखो बच्चों एक स्टेटमेंट हमारी यहां पे गिवन ए पावर एन इज इक्वल टू में क्या दे रखा है? कोस ऑफ एन थीटा, कोस ऑफ एन थीटा, यहाँ पे आ गया बच्चों साइन आयोटा, आयोटा साइन एन थीटा, यहाँ पे आ गया आयोटा साइन एन थीटा, और आगे वैल्यू हमारे पास गिवन बच्चों कोस ऑफ एन थीटा। ये एन के अंदर हमारी एक स्टेटमेंट गिवन बच्चों, इसको मान लेते अपना इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। देखो बच्चों एक बार एक चीज हमने पढ़ी है, अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ जाए या चेक करना पड़ जाए कि वो चीज़ हमारी वहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है, तो चेक करने का हमने यहाँ पे अपना तरीका पढ़ा था, तरीका हमने वहाँ पे सीखा था अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तरीका मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद होगा, केवल हमने वहाँ पे हमारे 3 स्टेप पढ़े थे। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था? पुट किया था एन इज इक्वल टू वन, एन की जगह हम क्या पुट करवाते बच्चों? वन, और चेक करेंगे इसके लिए हमारी गिवन स्टेटमेंट वहां पे अपनी क्या होनी चाहिए बच्चों? ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया फॉल्स आ गई, इसका मतलब हमारे वहां पे वो स्टेटमेंट क्या बच्चों? गलत है, इस चीज का ध्यान रखोगे। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या काम किया था बच्चों? स्टेप नंबर सेकंड में हमें एज्यूम करना होता है, लेट अस एज्यूम, हम मानते हैं कि जो भी हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारी वहां पे ट्रू होनी चाहिए। किसके लिए? एन इज इक्वल टू के लिए, एन इज इक्वल टू के लिए वो स्टेटमेंट हमारी वहां पे ट्रू है। ये बात हमें वहां पे अपनी क्या करनी पड़ेगी बच्चों? सपोज करनी पड़ेगी। और उसके बाद आखिरी स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप होती है हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस स्टेप में हमने क्या किया था? इस स्टेप में हम हमेशा प्रूव करेंगे
वी हैव टू प्रूव दैट, हमें अपना प्रूव करना होगा कि गिवन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू बच्चों किसके लिए, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। अगर ये बात हम वहाँ पे प्रूव करवा देते हैं तो हमारा वहाँ पे पी ओ एम आई क्या हो जाता है बच्चों, प्रूव हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अपना वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, प्रूव हो जाता है। और वो प्रूव होती है, वो स्टेटमेंट हमारी वहाँ पे बच्चों क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। अब जैसे कि देखो ये क्वेश्चन आ गया अपने यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करवाना है किससे, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो बच्चों क्या कहता है, सबसे पहला जो हमने तरीका पढ़ा है, सबसे पहला स्टेप हमें पुट करना एन इज इक्वल टू वन, कहाँ पर, इन गिवन स्टेटमेंट वन के अंदर। स्टेटमेंट होती है जो हमारी एन के अंदर इक्वेशन होती है बच्चों, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो एक काम करो, पुट करवाओ एन इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट के अंदर, चेक करो वो चीज़ हमारी वहाँ पे ट्रू या फॉल्स है, ट्रू आनी चाहिए, फॉल्स नहीं आनी चाहिए बच्चों। देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में एन की जगह वन पुट करूंगा तो देखना एक बार, ए पावर वन इज इक्वल टू में वैल्यू होता हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन की जगह वन बच्चों। देखो एक बार, कोस ऑफ एन की जगह वन तो वन थीटा यानी थीटा आएगा। यहाँ पे देखना बच्चों, साइन आयोटा साइन एन इंटू में थीटा, एन की जगह वन, वन इंटू में थीटा, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, थीटा। यहाँ पे भी वैल्यू हमारी क्या बनेगी, आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, कोस ऑफ थीटा। तो देखो बच्चों, जब हमने अपना एन की जगह वन पुट किया तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई। चेक करो ये चीज़ हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आई या गलत आई है। देखो बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ये वैल्यू दे रखी है, और वही वैल्यू हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट से मिली है जब हमने यहाँ पे एन की जगह वन पुट किया। तो ये बताओ बच्चों, ये हमारे यहाँ पे ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू तो बताओ क्या लिखेंगे। देयरफॉर इक्वेशन नंबर वन इज ट्रू फॉर किसके लिए, एन इज इक्वल टू वन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन को मैं अपना कहां से लेना बच्चों, नेचुरल नंबर से लेना है, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब देखो एक बार, स्टेप नंबर फर्स्ट हमने पूरा कर लिया, अब स्टेप नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, यहां पे मैं अपना एज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम, यहां पे हम अपना मान लेते हैं, क्या करना होगा कि दैट स्टेटमेंट नंबर वन इज ट्रू फॉर किसके लिए, एन इज इक्वल टू के लिए। देखो बच्चों, यहां पे मैं सपोज करना कि जो भी हमारे पास यहां पे अपनी स्टेटमेंट गिवन है वो एन इज इक्वल टू के लिए अपने यहां पे क्या बच्चों, ट्रू है। तो एक काम करो, एन की जगह के अपने यहां पे पुट आउट करवा दियो, तो वैल्यू में यहां पे अपने क्या मिलेगी बच्चों, ए पावर के इज इक्वल टू में देखना एक बार कितना आ जाएगा, कोस ऑफ के थीटा, आगे आयोटा साइन ऑफ के थीटा बनेगा, आगे वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोटा साइन ऑफ के थीटा अपने यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, कोस ऑफ के थीटा। और ये चीज़ हमारी यहाँ पे ट्रू है, ये बात हमने सपोज कर ली, ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने मान लिया कि ए पावर के की वैल्यू हमारी ये आनी बच्चों। देखो बच्चों, अगर इस चीज़ में कोई भी डाउट है तो, अब देखो उसके बाद जो अपना स्टेप नंबर थर्ड होता है, अब थर्ड स्टेप में क्या कहता है, देखो बच्चों एक बार, थर्ड स्टेप में हमने क्या पढ़ा है, वी हैव टू प्रूव हमें अपना प्रूव करना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा बच्चों, कि दैट कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर वन इज ट्रू फॉर किसके लिए, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। देखो बच्चों, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए अब हमें इस स्टेप में अपना प्रूव करवाना है। अब ये काम बिल्कुल ध्यान से करना, देखो बच्चों एक बार, एन की जगह अगर मैं अपना के प्लस वन पुट करूंगा तो मैं अपना क्या प्रूव करवाना है कि ए की पावर में के प्लस वन किसके बराबर होगा बच्चों, एन की जगह के प्लस वन तो कोस ऑफ के प्लस वन थीटा, आयोटा साइन के प्लस वन थीटा, यहां पे आयोटा साइन के प्लस वन थीटा, और यहां पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, कोस ऑफ के प्लस वन थीटा। अब ये बात हमें यहां पे अपने प्रूव करवानी है, और प्रूव करवाने वाले क्वेश्चन हमारे कभी भी आ जाए, देखो बच्चों बहुत पहले से करते हैं हमेशा, क्या करवाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, और किसके बराबर प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर। यानी ये बात हमें यहां पे प्रूव करवानी है कि ए पावर के प्लस वन की वैल्यू हमारी उसके बराबर होगी। अब देखो बच्चों, प्रूव कभी भी करवाना पड़ जाए, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब देखो बच्चों एक बार, ए पावर के प्लस वन की वैल्यू में निकालनी है, एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ये काम हमने वहां पे भी किया था, जो अपना प्रूव करने वाला पार्ट है उसमें हमेशा स्टेप नंबर सेकंड का यूज होता है और एक स्टेप नंबर फर्स्ट का यूज होता है, जहां पर हमारी ए की वैल्यू गिवन थी। अब देखो बच्चों,
ए पावर के प्लस वन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हमारे पास गिवन है ए पावर के की और ए पावर है वन की, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी, ए पावर के प्लस वन की। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं ए पावर के प्लस वन को ऐसे लिखवा दूं कि ए पावर के अलग और इनटू में ए पावर वन अलग, तो बोलो बच्चों इसमें कोई भी डाउट है तो लिखवा सकते ना ऐसा, क्योंकि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड। वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अपनी सेम बनेगी। तो देखो एक बार, एक काम करो, तो ए पावर के प्लस वन इज इक्वल टू में क्या लिखवा दिया, ए पावर के इनटू में ए पावर वन। ए पावर के की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बताओ बच्चों क्या है, कोस ऑफ के थीटा आयोटा साइन के थीटा, आयोटा साइन के थीटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, कोस ऑफ के थीटा इंटू में ए पावर वन। ए पावर वन की वैल्यू हमारे पास गिवन कोस थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, कोस ऑफ थीटा। मल्टीप्लाई करवानी है, अब मल्टीप्लाई करवाने का अपने यहाँ पे सेम तरीका रहेगा बच्चों। देखो एक बार, सबसे पहला काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बताओ बच्चों कैसे करें, पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ, कितना आ जाएगा, कोस ऑफ के थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ। देखो बच्चों एक बार, आयोटा साइन के थीटा इंटू में आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा इंटू में आयोटा, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, आयोटा स्क्वेयर, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन के थीटा, और इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, साइन ऑफ थीटा बनेगा। देखो हमने क्या करवा दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू हमारे पास ये बनेगी बच्चों। अब एक काम करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ कितना आ जाएगा बच्चों, आयोटा, तो यहां पे आएगा कि देखो आयोटा मल्टीप्लाई में आएगा, इंटू में कितना आएगा, कोस के थीटा, और वहां पे साइन है, तो क्या लिखेंगे, कोस ऑफ के थीटा इंटू में साइन ऑफ थीटा, तो अपना ये आ गया बच्चों, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ। तो देखो बच्चों आयोटा तो हमें यहां पे भी मिलेगा, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, स्पेस कम है थोड़ा। देखो बच्चों आयोटा तो हमें यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दियो तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, साइन के थीटा, और इंटू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, कोस ऑफ थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने अपना करवा दिया, अब आगे काम करो बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करवा दो, पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो आयोटा तो यहाँ पे भी आना है, आयोटा साइन के थीटा पहले की पहले के साथ, वहां पे आएगा इंटू में कोस ऑफ थीटा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, आयोटा तो अपना यहाँ पे भी आएगा, आयोटा तो यहाँ पे भी आ गया। अब देखो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाना, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कोस ऑफ के थीटा, इसकी इसके साथ हुई ना, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, इनटू में साइन ऑफ थीटा में यहाँ पे मिलेगा। अब एक काम करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम करवाओ मल्टीप्लाई, पहले की पहले के साथ, आयोटा इंटू में आयोटा कितना बनेगा बच्चों, आयोटा स्क्वेयर, साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा बनेगा, साइन के थीटा इंटू में साइन ऑफ थीटा। अब आगे मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, और यहां पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस कोस ऑफ के थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू हमारी यहां पे बनेगी। बोलो बच्चों बनेगी या नहीं बनेगी। अब देखो इससे आगे हमारी यहां पे जो वैल्यू बननी है, देखो इससे आगे वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगी। अब देखो इस चीज को मैं अपना सोल्व करना चाहता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट करवा दूं तो प्लस माइनस अपना क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब देखो एक बार, कोस ए कोस भी माइनस साइन ए साइन भी, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें फॉर्मूला बताया है, कोस ए कोस भी माइनस साइन ए साइन भी किसके बराबर होगा अपना, कोस ए प्लस बी के बराबर। तो कोस ऑफ ए प्लस बी, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे के थीटा है, प्लस बी की वैल्यू थीटा है, अगर मैं दोनों में थीटा बाहर कॉमन ले लूं तो k प्लस वन इंटू में थीटा, ऐसे लिखवा सकते हैं इस चीज को मैं यहाँ पे अपना ऐसे। अब देखो आगे एक बार, आयोटा अपना यहाँ पे भी, आयोटा अपना वहां पे भी, अगर मैं आयोटा को अपने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लूं, अंदर देखो बच्चों क्या बनेगा, देखो एक बार। अच्छा एक काम करो, देखो मैं ये साइन वाला पोर्शन आगे लिख देता हूं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला अपना यहाँ पे भी यूज हो गया, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू के थीटा प्लस बी की वैल्यू थीटा, थीटा दोनों में बाहर कॉमन, तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, के प्लस वन इंटू में थीटा, ये वैल्यू अपनी यहाँ पे आ जाएगी। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करना, आयोटा दोनों में बाहर कॉमन आ गया, फॉर्मूला अपने यहाँ पे भी यूज हो गया। देखो बच्चों एक बार, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके बराबर होगा, साइन के थीटा प्लस थीटा, थीटा अपना बाहर कॉमन, तो के प्लस वन इंटू में थीटा बनेगा। आगे देखो एक बार, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या होती है, माइनस वन, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होगा, कोस ऑफ ए प्लस बी, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, कोस ऑफ के प्लस वन इंटू में थीटा।
ये मैट्रिक्स अपने यहाँ पे क्लोज। अच्छा बच्चों चेक करो, ए पावर के प्लस वन की वैल्यू हमने निकाल ली, चेक करो राइट हैंड साइड के बराबर आई या नहीं आई, तो इज इक्वल टू में वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो देयर फोर बताओ क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर वन इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हेंस, और यही हमारा होता प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज प्रूव्ड, और यही चीज हमें यहां अपने प्रूव करवानी थी बच्चों। तो ये था हमारा यहां पे क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 19 और 20th दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सारा का सारा काम अपना यहाँ पे 10 प्लस 1 का है, बस तीन स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना क्या करना होगा बच्चों, पुट करना है टू वन, चेक करना वो स्टेटमेंट हमारी वहाँ पे उसके लिए ट्रू या फॉल्स है, उसके लिए ट्रू आनी चाहिए, अगर उसके लिए ट्रू है तो आगे मैं यहाँ पे अपना क्या करना होगा एज्यूम करना होगा, मानना होगा कि स्टेटमेंट हमारी वहां पे ट्रू है किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू के लिए, और ये बात सपोज करते ही थर्ड स्टेप में हमें अपना प्रूव करना है कि गिवन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू किसके लिए, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, एन इज इक्वल टू के प्लस वन, जब हमने एन की जगह के प्लस वन पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, राइट हैंड साइड में अपना ये आ गया, ये दोनों में बराबर प्रूव करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़े, किसके बराबर प्रूव करना बच्चों राइट हैंड साइड के, वो आ जाएगा देखो एक बार, लेफ्ट हैंड साइड में तो अपना ए की पावर के प्लस वन इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बट वैल्यू हमारे पास है किसकी बच्चों ए पावर के की, तो ए पावर के प्लस वन को हमने क्या लिखवा दिया, ए पावर के अलग इंटू में ए पावर वन अलग, वैल्यू पुट करवा दी आगे मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करना, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20th। अब आगे बढ़ो एक बार, अब देखो बच्चों देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 21st और 22nd दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं, स्टेटमेंट वाले जो हमारे पास यहां पे क्वेश्चन आ गए वहां पे ये लिखा हुआ है कि थ्री शॉपकीपर्स ए बी सी गो टू ए स्टोर, वो एक स्टोर के ऊपर जाते हैं टू बाय स्टेशनरी, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, ए परचेजेस, ए ने क्या परचेज किया बच्चों 12 डजन नोटबुक्स 5 डजन पेन्स एंड 6 डजन पेंसिल्स, बी परचेजेस, बी ने क्या परचेज किया बच्चों 10 डजन नोटबुक्स 6 डजन पेन्स एंड 7 डजन पेंसिल्स, एंड सी परचेजेस, सी ने क्या परचेज किया बच्चों 11 डजन नोटबुक्स 13 डजन पेन्स एंड 8 डजन पेंसिल्स। देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे तीन शॉपकीपर हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी, एक का नाम सी है। अब ये बोल दिया ए बी एंड सी गोज टू ए शॉप, वो एक शॉप के ऊपर जाते बच्चों और कोई सामान वहाँ पे परचेज करते हैं, सामान उन्होंने वहाँ पे क्या परचेज किया है, एक तो उन्होंने वहाँ पे अपनी नोटबुक्स परचेज की है, एक पेन और एक पेंसिल, ये चीज़ें उन्होंने वहाँ पे अपनी परचेज की बच्चों। अब ये बोल दिया ए ने क्या परचेज किया है 12 डजन नोटबुक्स 5 डजन पेन्स एंड वहाँ पे 6 डजन पेंसिल्स। देखो बच्चों ये बोला है 12 डजन नोटबुक्स 12 डजन नोटबुक्स एंड 5 डजन पेन्स एंड 6 डजन पेंसिल, ये बात इन्होंने यहां पे अपने क्वेश्चन के अंदर बोल दी। अब देखो बच्चों एक बार, सबसे पहले अपने यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हमारे यहां पे कोई भी आइटम हम वहां पे परचेज करने लग रहे हैं वो हमारा यहां पे डजन के अंदर या किसी और यूनिट के अंदर कभी भी आ जाए, सबसे पहला काम अपना यहाँ पे डजन वगैरह को खत्म किया करो, आइटम वहाँ पे चेक किया करो कि हमने वहाँ पे टोटल आइटम परचेज कितने किए हैं, नोटबुक हमने वहाँ पे टोटल कितनी ली है, पेन हमने वहाँ पे हमारे टोटल कितने ले लिए और पेंसिल हमने वहाँ पे हमारी टोटल कितनी ले ली। तो देखो बच्चों 12 डजन हमने वहाँ पे अपनी नोटबुक ली है, अगर हम डजन को यहाँ पे अपना आइटम्स के अंदर चेंज करेंगे तो एक डजन में हमारे टोटल कितने आइटम होते बच्चों 12, तो 12 डजन में बताओ कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 12 इंटू 12, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 144।
ऐसे ही 5 dozen पेंस में आइटम बताओ बच्चों हमारे कितने हो जाएंगे, एक डजन में 12 आइटम होते हैं तो 5 dozen में हमने टोटल कितने पेन ले लिए बताओ बच्चों एक बार, इनटू में 12 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे 12 की 5 से करवाऊंगा तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 60 आ जाएगी, और यहाँ पे 6 dozen पेंसिल है तो 12 into 6 तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 72 आ जाएगी। देखो बच्चों अगर इस चीज़ में कोई भी डाउट है तो ये बात आ गई होगी समझ में। अब ठीक ऐसे ही बी ने अपना वहाँ पे क्या परचेज किया बच्चों, अब बी ने ये बोल दिया 10 dozen नोटबुक, देखो बच्चों 10 dozen नोटबुक इनटू में कितना आएगा 12 तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों 120 बनेगा। अब आगे देखो एक बार, आगे और क्या परचेज कर लिया, 6 dozen पेंस एंड 7 dozen पेंसिल्स, देखो बच्चों 6 dozen पेंस तो वही बात 12 into 6 टोटल 72 उसने वहाँ पे पेन परचेज किए हैं और पेंसिल 7 dozen, अब वही बात बच्चों 12 into 7 तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 84 आएगी। अब उसके बाद देखो बच्चों एक बार, अब उसके बाद सी है, सी ने क्या क्या परचेज किया बच्चों एक बार, अब सी ने परचेज किया है अपना वहाँ पे 11 dozen नोटबुक्स, देखो 11 dozen नोटबुक्स तो वही बात 11 की मल्टीप्लाई हमारी वहाँ पे किससे हो जाएगी बच्चों 12 से, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 132। पेन उसने वहाँ पे अपने कितने परचेज कर लिए, पेन उसने वहाँ पे हमारे परचेज किए बच्चों कहाँ गया 13 dozen, अब देखो बच्चों 13 dozen बोला है तो 13 dozen अगर इसको मैं आप अपना आइटम में चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों 13 into 12 तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 156, और पेंसिल उसने वहाँ पे हमारी परचेज कर ली 8 dozen। अब देखो एक बार 8 dozen उसने वहाँ पे पेंसिल परचेज की है तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमारी कितनी बनेगी बच्चों 96। अब देखो ए ने ये आइटम्स हमारे वहाँ पे परचेज किए, बी ने ये आइटम अपने वहाँ पे परचेज कर लिए, सी ने अपने ये आइटम्स वहाँ पे अपने परचेज किए हैं। अब आगे इन्होंने ये बोल दिया कि जो हमारे पास वहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक गिवन बच्चों क्वेश्चन के अंदर, एक नोटबुक की कॉस्ट हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है और कॉस्ट इन्होंने आप अपने बोल दी बच्चों 40 पैसे, कितनी बोल दी 40 पैसे। एक काम करते हैं हर चीज़ की यूनिट हमारी हमेशा सेम रखा करो, यहाँ पे पैसे गिवन आ गए रुपीज़ आ गई, तो एक काम करो पैसे को अपना यहाँ पे रुपीज में चेंज कर लो, अगर चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 40/100 तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 0.4। अब आगे ऐसे ही हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन गिवन है बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना गिवन है, ये अपने पास दे रखा बच्चों 1.25 रुपीज में बच्चों ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे, और आगे इन्होंने ये बोल दिया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमारे पास गिवन है बच्चों 35 पैसे, कितनी गिवन है 35 पैसे रुपीज में चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 35/100 में कितना हो जाएगा 100 तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों 0.35। अब देखो बच्चों वही बात है, अब ये बोल दिया कि हमें वहाँ पे ए बी सी की टोटल कॉस्ट बतानी है कि टोटल उनका वहाँ पे कितना अपना वहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चा आ गया, ये चीज़ हमें वहाँ पे अपनी निकालनी है। देखो बच्चों एक तो निकालने का तरीका हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, क्या तरीका हमने सीखा, जैसे कि अगर मान लिया एक नोटबुक की कॉस्ट हमारे पास कितनी बच्चों 0.4 है, अब ए ने क्या परचेज किया है 144 नोटबुक वहाँ पे परचेज कर ली तो 144 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे 0.4 से, तो ये तो आ गई नोटबुक की कॉस्ट। इसी तरह प्लस एक ही टोटल कॉस्ट हम वहाँ पे अपने निकालने लग रहे हैं, अब इसी तरह पेन की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों एक पेन की कॉस्ट हमारे पास कितनी गिवन 1.25 रुपीस गिवन है, अब पेन उसने वहाँ पे परचेज कितने कर लिए 60 तो इंटू में कितना आ जाएगा 60, पेन की हमारे वहाँ पे एक ही टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह पेंसिल की निकालनी है, एक पेंसिल की इतनी है तो 72 की कितनी होगी बच्चों 72 into 0.35, और जो भी नोटबुक की हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, जो भी पेन की टोटल कॉस्ट आ गई और जो भी पेंसिल की टोटल कॉस्ट आ गई, उन तीनों टोटल कॉस्ट को हम आपस में ऐड करवा देंगे, एक का वहाँ पे टोटल खर्चा अपना निकल जाएगा, और वही चीज़ हमें निकालनी है, ए का खर्चा निकालना, बी का निकालना और सी का निकालना है। बट यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हमें यहाँ पे अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके ही निकालना है, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू में वहाँ पे नहीं बतानी, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अब देखो बच्चों अगर हमें कभी भी टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ जाए, टोटल कॉस्ट ऑफ ए बी एंड सी, अगर हमें ए बी और सी की टोटल कॉस्ट कभी भी निकालनी पड़ जाए तो कॉस्ट निकालने का अपने यहाँ पे तरीका होता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये मेथड हमें ये कहता है बच्चों देखो एक काम करो, हमेशा
ए बी और सी ने जो भी आइटम्स परचेज किए हैं, आइटम्स को हम हमेशा रो के अंदर लिखते हैं। जो भी सामान हमने वहाँ पे परचेज किया है उस सामान को तो हमें हमेशा वहाँ पे रो के अंदर लिखना है। अब जैसे कि मान लिया हमारे पास यहाँ पे 3 पर्सन है, तो एक काम करो, एक रो हमारे यहाँ पे बनाओ ए के लिए, एक रो बनाओ बी के लिए और एक रो अपने यहाँ पे बनाओ बच्चों सी के लिए। अब देखो बच्चों, ए ने क्या क्या परचेज किया है। ए ने सबसे पहले 144 नोटबुक परचेज की है, 144 नोटबुक, और क्या परचेज किया है 60 पेन्स, और क्या परचेज किया है 72 पेंसिल्स। ये ए ने परचेज किया है, इतनी तो नोटबुक, इतने पेन और इतनी पेंसिल परचेज कर ली। उसके बाद बी ने देखो बच्चों क्या परचेज किया है। अब बी ने 120 तो नोटबुक ले ली बच्चों, और 72 पेन्स ले लिए और 84 पेंसिल्स ले ली। उसके बाद सी ने क्या परचेज किया बच्चों, 132 नोटबुक्स, 156 पेन्स और 96 पेंसिल्स। तो क्या बोला है कि उन्होंने जो भी सामान लिया है, सामान को हम हमेशा रो के अंदर लिखेंगे बच्चों, और जो उनकी कॉस्ट है उनको हमेशा कॉलम के अंदर लिखवाएंगे। कॉलम के अंदर कैसे, जैसे कि मान लिया एक नोटबुक की कॉस्ट हमारे पास गिवन कितनी 0.4, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अपना 0.4। उसके बाद एक पेन की कॉस्ट हमारे पास है बच्चों वहाँ पे 1.25, यहाँ पे लिखवा देंगे 1.25। और उसके बाद एक पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास गिवन बच्चों 0.35, तो यहाँ पे हम लिखवा देंगे 0.35। और एक काम करो, दोनों मैट्रिसेस के आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, देखो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे, पहले की पहले के साथ प्लस सेकंड की सेकंड के साथ और थर्ड की थर्ड के साथ, तो एक नंबर आपको यहां पे मिलेगा, जो भी वैल्यू आएगी यहां पे लिखवा दियो। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहले की पहले के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड की थर्ड के साथ, एक नंबर आपको यहां पे मिलेगा। और उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पहले की पहले के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड की थर्ड के साथ, एक नंबर आपको यहां पे मिलेगा। ये हमारी यहां पे होगी ए की टोटल कॉस्ट, ये होगी बी की टोटल कॉस्ट और ये अपनी यहां पे आएगी सी की टोटल कॉस्ट। अलग से निकाल के लिख दियो, अपनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। उसके बाद तो ये था हमारे यहां पे क्वेश्चन नंबर 21। अगला जो अपना क्वेश्चन 22 बच्चों, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अगर उसकी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि देर आर थ्री फैमिलीज, वहां पे हमारे पास देखो यहां पे 3 पर्सन थे ए बी एंड सी, वहां पे 3 फैमिलीज आ गई ए बी और सी। अब 3 फैमिलीज वहां पे ऐसे गिवन है कि जो हमारे पास ए फैमिलीज है वो क्या रखती है, उसके अंदर 2 मैन है, 3 वुमेन है एंड 1 चाइल्ड है। फैमिली बी में 2 मैन 1 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन है। फैमिली सी में 4 मैन 2 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रंस गिवन है। अब आगे ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है कि डेली इनकम ऑफ मैन एंड वुमेन आर 200 and 155 एंड चिल्ड्रन हैव नो इनकम। हमें क्या निकालना बच्चों, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड कैलकुलेट डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली। देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे अपनी 3 फैमिलीज गिवन है, एक फैमिली ए होगी, एक फैमिली बी हमारे पास गिवन है और एक फैमिली सी हमारे पास गिवन है। अब देखो बच्चों, ए बी और सी के अंदर वहां पे हमारे जो पर्सन गिवन है, जो फैमिली मेंबर गिवन है, अब ए में ये बोल दिया 2 तो है हमारे पास मैन, 3 है वुमेन और आगे हमारे पास एक बच्चा गिवन, एक चाइल्ड गिवन है। तो एक काम करो बच्चों, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं यहां पे उनको तो हम लिखवा देंगे रो के अंदर, जैसे हमने यहां पे लिखवा दिया। फैमिली बी में हमारे पास यहां पे बच्चों क्या गिवन है, फैमिली बी में है 2 तो मैन हमारे पास है, 1 वुमेन है एंड 3 हमारे पास वहां पे चिल्ड्रंस बच्चों यहां पे गिवन है। एंड फैमिली सी में अपना यहां पे क्या दे रखा है, 4 तो है मैन, 2 है वुमेन एंड चिल्ड्रन हमारे वहां पे अपने गिवन बच्चों 6 चिल्ड्रंस हमारे वहां पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आगे यहाँ पे इनकी बात प्राइस नहीं है, यहाँ पे हमारे हमने कोई सामान परचेज नहीं किया, फैमिली मेंबर्स हैं और साथ के साथ उनकी इनकम गिवन, तो वही बात इनकम को हमेशा हम कॉलम के अंदर लिखेंगे। अब ये बोल दिया एक मैन की जो इनकम वो 200 रुपये है, वुमेन की 155 है एंड बच्चे की 0 इनकम, एक भी रुपया नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 0। अब हमें ये बताना है ए की टोटल, ए फैमिली जो हमारे पास है उसकी वहाँ पे टोटल इनकम कितनी होगी, बी की कितनी होगी और सी की कितनी होगी। तो वही बात मल्टीप्लाई करवा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक नंबर यहाँ पे आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एक नंबर यहाँ पे आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एक नंबर अपना यहाँ पे आएगा। ये आएगी ए की टोटल इनकम, ये आएगी बी की और वो आएगी अपनी सी की। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये थी हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3। बाकी काम हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर बच्चों।